मैं हूं महक और आप देख रहे हैं ZTV News 24। मंडलायुक्त अंजनी कुमार के सामने ग्रामीणों ने रखी विकास न होने की शिकायत। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के विकास खंड टिलारी के ग्राम पंचायत जलालपुर खालसा में आज पार्क का आज मंडलायुक्त अंजनी कुमार ने शिलान्यास कर पार्क का निरीक्षण किया। उसके बाद गांव के ग्रामीणों ने मंडल आयुक्त से शिकायत करते हुए ग्राम प्रधान का विरोध करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत जलालपुर खालसा विकास कार्य धीमी गति से किया जा रहा है और साफ सफाई व्यवस्था चौपट है। कई रास्ते ऐसे जिसमें निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने विरोध करते हुए आगे बताया है कि पंचायत भवन का निर्माण घटिया सामग्री, घटिया ईंट, घटिया बालू और सरिया 3 सूत का डाला गया है, जिसके चलते पंचायत भवन जल्द ही जर्जर हालत की स्थिति में दिखने लगा है और साइड टूट कर गिरने लगी है। वहीं ग्रामीणों ने आगे बताया है कि ग्राम प्रधान से जब किसी बात के लिए कहा जाता है तो वो अनसुनी कर देते हैं। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए आगे बताया है कि ग्राम पंचायत के अंदर एक वर्ष का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी कोई किसी भी तरीके की मीटिंग का आयोजन नहीं किया गया। कार्यकाल को ज्यादा समय नहीं हुआ है, जो भी ग्राम पंचायत को धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी पूर्ण रूप से प्रधान विकास कार्य कराएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, खंड विकास अधिकारी नरेश चौहान, एडीओ पंचायत चंद्रपाल के साथ साथ ब्लॉक के सचिव मौजूद रहे। ZTV न्यूज 24 डिलारी मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। अच्छा दादा, आज मंडल आयुक्त और CDO साहब आए थे आपकी ग्राम पंचायत में सुंदरकरण प्रोग्राम में, आपने वो विरोध किया है और एक लिखित रूप में शिकायत पत्र दिया है, क्या पूरा मामला है? वो पूरा मामला क्या, उसके बाद में आके हो सके 1,60,00,000 आने के बाद में आके उसमें से चौथाई ब्याज भाग लगाया। अच्छा, तो क्या क्या मांग करना चाहते हो, क्या शिकायत की थी आज? अरे शिकायत क्या करते, उसके बाद में ठीक है, सरकार का पैसा, विकास का पैसा विकास में लगे, अंदर का तो क्यों हो रहा, रास्ते की समस्याओं को भी लेके की। हाँ, रास्ते की समस्या भी है, संतान की समस्या भी है। किस तरीके के हालात है रास्तों की? रास्तों के गंदे हालात है, एक साल प्रधान बनाया हो गया, कोई काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। आता उसके बाद में वो कह रहेगा ठीक है, शिकायत करने के बाद में तुमने मेरा कुछ कर पाया ना, क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? अनुशासन दिया, उसके बाद निश्चित ऊपर से सब मिले जुले सरकार है। अधिकारियों ने क्या क्या कहा आपसे? अधिकारियों ने जवाब दिया, उसके बाद में हाँ क्यों नहीं कर रहे अभी, ना हाँ करूँगा चुप पड़ गया। इसमें क्या चाहते हो आप? अरे इसमें ठीक है, जो पैसा है उसके लिए विकास चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जो पैसा आया है उसके लिए विकास, विकास चाहते हैं। अगर अगर विकास नहीं होता उन पैसों का तो क्या करोगे आगे? फिर ऐतराज लगाएंगे क्यों? यहाँ एक ग्राम पंचायत के कुछ व्यक्तियों ने विरोध किया है, क्या पूरा मामला था, जिस चीज़ को लोगों ने विरोध किया है सर? देखिए, उन्होंने कुछ शिकायतें की हैं, ये ग्राम पंचायत 3 मजरों की है, मतलब छोटी ग्राम पंचायत, उसमें मैंने डिटेल लिया है। जो विकास की निधि के लिए पैसा, अभी हाल ही में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, उस चुनाव के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है और जो शासनादेश है उसके हिसाब से जो पंचायत निधि आती है उसका पहला उपयोग स्कूलों के कायाकल्प, ग्राम पंचायत भवन के निर्माण, पार्कों के निर्माण, इन सब चीज़ों के कन्वर्जेंस में शासन ने प्राथमिकता तय कर दी है। कुछ चीज़ों का जो खर्च होगा वो पंचायत के, वो उस ग्राम पंचायत के अंदर सैनिटेशन के काम में होगा और उसमें भी सैनिटेशन और स्वच्छता में बताया गया कि क्या क्या काम है। सर, जिस पार्क का आपने उद्घाटन किया है इसकी व्यवस्था कैसी मिली सर आपको? देखिए, अभी तो ठीक है, मेरा पहला सवाल और सबसे बड़ा कंसर्न यही है,
हम चीज़ों को ठीक करके दे देंगे, सारी पंचायत दे दी, लेकिन मेंटेनेंस के लिए उसमें नहीं है। मेंटेनेंस गांव वालों को खुद मिलकर करना होगा। अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ युवक मंगल दल है, युवा हैं वो, और उसमें युवा जुड़ेंगे। अगर वो इस संपत्ति की देखभाल ठीक से करेंगे और इसको बाद में मेंटेन भी करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। सर, जिस तरीके से अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ पंचायत भवन, खेल के मैदान जर्जर पड़े हैं, घासें जमी हुई हैं, उस तरीके से ग्राम प्रधान की जो जिम्मेवारियाँ होती हैं उस तरीके का क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से? कि पहली बात यह है कि हम मैपिंग कर रहे हैं, इसी चीज़ की मैपिंग कर रहे हैं कि कितने भवन हमारे हैं जो जर्जर पड़े हैं। सभी ग्राम पंचायतों में मंडल के चल रही है, एक जगह नहीं। कौन सी जमीन है जिसको उपयोग में नहीं लाया जा रहा है? एक बार सारा डेटा इकट्ठा हो गया, हो जाएगा, हो गया है बल्कि, अब उसकी प्रोसेसिंग पे काम चल रहा है। तो हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक भवन का हिसाब लेंगे,